कांग्रेस के आस्तीन के सांपों से सचेत रहिए। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि दिग्विजय सिंह ने उसके साथ कहीं अन्याय और अत्याचार किया। कोई हो तो सामने आ जाओ, मैं माफी मांग लूंगा। लाओ तो। तीसरी बात, मैं आह्वान कर देता हूं और सचेत कर देता हूं, जो मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जिसके तनख्वाह हमारे खजाने से निकलती है, वो अगर संविधान के अनुरूप काम नहीं करेगा, यदि वो नियम और कानून का पालन नहीं करके कांग्रेस के लोगों को झूठा फंसाएगा, तो मैं स्वयं उस व्यक्ति के खिलाफ नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। और आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं भिंड से। डॉक्टर गोविंद सिंह जी बहादुर व्यक्ति हैं, उन्होंने तो भीड़ इकट्ठी कर ली, लेकिन कई बेचारे छोटे गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के हैं, आदिवासी हैं, उनकी लड़ाई हम लोगों को सबको लड़ना है। आखिरी में आज अध्यक्ष महोदय, नाग पंचमी के दिन हम सब 364 दिन तो कहीं सांप मिल जाता है तो उसे मारने में लग जाते हैं, लेकिन नाग पंचमी में उसको दूध पिलाते हैं। यह अद्भुत हमारा देश है, उनको जरूर दूध पिलाइए, लेकिन कांग्रेस के आस्तीन के सांपों से सचेत रहिए। उनको दूध मत पिलाना जो कांग्रेस को धोखा देकर आस्तीन का सांप बने हुए थे, उनको दूध मत पिलाना। मैं इतना आपसे कह देता हूं, क्योंकि कांग्रेस में ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, 5 साल के 365 दिन के 4 साल और 5वें साल के 364 दिन के बाद जब वोट पड़ना होता है ना, उस दिन भी कांग्रेस के आस्तीन के सांप भाजपा का समर्थन करने लगते हैं, इसको भी माफ मत करना। यही आपसे मेरी प्रार्थना है। हम लड़ेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद। बोलो भारत माता की।